गुना में सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। आज रविवार को संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने श्रीनाथ गार्डन के पास फ्रेंड्स कॉलोनी में जिला स्तरीय विशाल सत्संग का आयोजन LED के माध्यम से किया गया। इस विशाल सत्संग में पूर्ण संत की क्या पहचान होती है, परमात्मा सरकार है या निराकार, पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा, पूर्ण परमात्मा कौन तथा कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, कैसे मिलता है, इन सभी प्रश्नों की जानकारी प्रमाणित सहित संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आसपास के गांवों से सत्संग को सुनने के लिए आए। इस विशाल सत्संग में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तकों का वितरण किया गया, जिसे ज्ञान गंगा, जीने की राह आदि। जिला सेवादार राजा रामदास और धर्मेंद्र दास और मीडिया सेवादार कमलदास ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने का है, जहां सर्व धर्म जाति के लोग प्रेम भाईचारे के साथ रहे, जहां सभी सुखी रहे, सबको समान न्याय मिले, जहां किसी का शोषण ना हो। एक ऐसे स्वच्छ समाज की स्थापना करना है जो चोरी जारी ठगी रिश्वतखोरी नशे से दूर हो। आज हकीकत में उनके ज्ञान से यह संभव हो रहा है। इस विशाल सत्संग में उपस्थित सेवादार संतोष दास, नारायण दास, रमेश दास, भोला दास, जगराम दास, श्यामलाल दास, रामप्रसाद दास, सुमन दासी, मेवा दासी, रजनी दासी, मुन्नी दासी भक्त और बहनों सेवा करते हुए नजर आए। फ्रेंड्स कॉलोनी जिला स्तरीय फ्रेंड्स गार्डन में हुआ है LED के द्वारा। सत्संग करने का क्या उद्देश्य है? सत्संग करने का मेन उद्देश्य सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का भारत के लिए सोने की चिड़िया बनाना है। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी में भाईचारा हो, सभी को समान न्याय मिले, किसी का शोषण ना हो, सबके साथ न्याय हो, चोरी ठगी रिश्वतखोरी जारी नशाखोरी सब समाज को इनसे इस दूर करना है। आपके गुरुजी क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज, तत्वर्षी संत। गुना से रणधीर चंदेल की ये रिपोर्ट।